कैथा। ये नाम आप में से कई लोगों ने शायद ही पहले सुना हो, लेकिन हाथी सेब ये जरूर सुना होगा। कैथा एक जड़ी बूटी है जिसे लिमोनी एसिडी सीमा भी कहते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में ये फल हाथी सेब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथियों का एक पसंदीदा भोजन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैथा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आप कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कैथा के उन बेजोड़ फायदों की जिससे आप जटिल से जटिल बीमारी को दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास पेशकश सेहतनामा। कैथा की खेती सबसे पहले भारत में की गई थी, लेकिन यह एशिया के दक्षिण भाग, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसका पेड़ 30 फीट तक बढ़ सकता है और इसका फल 5 से 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह एक स्वादिष्ट स्वस्थ पेय के लिए नारियल के दूध के साथ भी मिलाया जा सकता है। कैथा के सेवन से कब्ज, अपच, पेप्टिक अल्सर, बवासीर, श्वसन समस्याएं, डायरिया और पेचिश से राहत मिलती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जीवाणु और वायरल संक्रमण से लड़ता है, सूजन की समस्या को भी कम करता है और तो और कैंसर के साथ ही मधुमेह का भी इलाज कर सकता है। इससे आंखों की समस्या में भी सुधार और यौन समस्याओं को भी रोकने में मदद मिलती है। कैथा पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन और ऑर्गेनिक यौगिक, टैनिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फाइबर, प्रोटीन और आयरन की भरपूर मात्रा से युक्त होता है और यही वजह है कि ये आपकी लगभग हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैथा पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि ये आंतों के कीड़ों को खत्म करने में मदद करता है। इसे पेचिस का भी इलाज किया जा सकता है। दरअसल इसके तने और शाखाओं में फेरोनोगम नामक गोंद जैसा पदार्थ होता है। यह आमतौर पर दस्त और पेचिस के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ही कैथा ब्लड प्योरिफिकेशन में भी मदद करता है। इसके लिए आपको 50 मिलीग्राम कैथा का रस को गर्म करके पानी के साथ चीनी मिलाएं और इसे फिर पिए। इससे लिवर और गुर्दे पर तनाव कम होता है, जो विषावक्त पदार्थों में हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं। कैथा के गुड़ यही खत्म नहीं होते हैं, इससे कान दर्द से भी छुटकारा मिलता है, साथ ही इससे डायबिटीज की भी समस्या दूर होती है। वही कहा यह भी जाता है कि कैथा के सेवन से एनर्जी भी बढ़ती है। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये शरीर के किसी भी घाव को तेजी से हील करने में मदद करता है और साथ ही मांसपेशियों को मजबूत भी करता है। वही कैथा खाने से किडनी रोग भी दूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह हाथी फल आपके हर तरह की मदद कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि इसे सही मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इसका ज्यादा सेवन करने से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और ट्विटर से लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।